नमस्ते दोस्तों, आज हम आम का अचार बनाएंगे। आम का अचार बनाने के लिए 2 किलो आम है। सबसे पहले कि हम डंठे के हम काट लेते हैं चाकू से। एक हम पानी में भेज देते हैं, जो इमा का गुद्दा है वो पानी में भेस निकल जाए। रात के लिए ऐसे हम छोड़ देते हैं, जो इमा गुद्दा अच्छा से निकल जाए। आम के देखिए रात भर हो गया भाई, एक हम धो के निकाल देते हैं बाहर। आम के हम फाड़ लेते हैं कि हमें इसी तरह हम कपड़ा रख लेते हैं। आम के फाड़ के हम घामे नहीं देते हैं, देखिए इसी तरह से हम फाड़ लेते हैं आम के। आम के हम काट लिया हुआ है कि हम बीज के निकाल देते हैं। चलते हैं हम घामे के सुखवा लेते हैं। बीज के हम निकाल लेते हैं। बीज के हम निकाल लिया हुआ है, चलते हैं हम धूप पे ये छोड़ देते हैं इसे ही सूखने के लिए। मैंने धूप पे आई गई है, देखिए इधर एक कपड़ा फैला हुआ है, इसे हम इसे फैला देते हैं। एक डेढ़ घंटा के सूखने के लिए हम फैला देते हैं। आम हमारा देखिए एकदम सूख गया है, 2-3 घंटा के हम सुखा लिया हुआ है। एक बर्तन हम उठा लेते हैं। दो तीन चुटकी हींग है, इसमें हम डाल देते हैं। एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च लाल पाउडर, नमक 2 चम्मच, ये मिला देते हैं अच्छे से। एक हम तीनों चीजें अच्छे से मिला दिया हुआ है, एक 2-3 घंटा के लिए हम ढाक के इसे धाई देते हैं। आम के हम 2-3 घंटा हो गया बन चाय। चलिए मसाला दिखाते हैं। 25 ग्राम धनिया है, 25 ग्राम जीरा, 25 ग्राम सौंफ है, 2 चम्मच मंगरैल, काला सरसों है 2 चम्मच, 1 चम्मच मेथी है, हल्दी पाउडर, नमक, सरसों का तेल, लाल मिर्चा है। सबसे पहले हम मसाला के भूज लेते हैं। आग के हम जला लिया हुआ है, सबसे पहले हम धनिया भून लेते हैं। सब भी डाल देते हैं। हम चलाते रहेंगे। जीरा डाल देते हैं, हमें ज्यादा नहीं भूनना है। मसाला को हम हल्का भून लेते हैं। मेथी डाल देते हैं। मंगरैल के
सरसों को हम डाल देते हैं। मसाला हमें ज्यादा ना भूजना है, थोड़ा हम हल्का भूज लेते हैं। मसाला हम भून लिया हुआ है, एक हम नीचे उतार देते हैं, थाली में पूरे देते हैं। मसाला हम सिलौटी धो के हम भूख लेते हैं। मसाला हम भूख लिया हुआ है, एक प्लेट में उठा लेते हैं। मरचा के हम पीस के हम पाउडर बना लेते हैं। मसाला के हम भूख लिया हुआ है, एक प्लेट में उठा लेते हैं। जो मसाला भूख के रखा हुआ है ये हम डाल देते हैं। मिर्चा डाल देते हैं। डेढ़ चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। एक चम्मच नमक, नमक और पहले से मैं इसमें डाला हुआ है। सरसों का तेल डाल देते हैं। हम हाथ से मिला देते हैं अच्छे से। एक एक करके हम सब मसाला के अच्छे से मिला देते हैं। देखिए हम मसाला हम मिसर मिला दिया हुआ है, एक मटकी में हम धाई देते हैं। दोस्तों जब भी अचार बनाइए मट्टी की मटकी में धरिए, पुरानी लोग मटकी में पहले धरते रहें, अचार कभी बिगड़े न। आम का अचार में बन गया बा। अगर आज की वीडियो में कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते दूसरे वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद।